हेलो गाइस, अगर आप लोग बोलते हैं यहाँ पर रेडमी नोट 11 सीरीज यहाँ पर वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल करके आ रही है। जहाँ पर गाइस जो रेडमी की नोट 11 सीरीज है वो दोस्तों यहाँ पर फाइनली 26 जनवरी को यहाँ पर लॉन्च होने वाली है और ये स्मार्टफोन दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ग्लोबली लॉन्च किए जाएंगे और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये स्मार्टफोन इंडिया पे देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर ये स्मार्टफोन इंडिया पे आपको कब देखने मिलेंगे और इनके दोस्तों यहाँ पर प्राइस स्पेक्स यहाँ पर सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर Xiaomi की तरफ से यहाँ पर बिल्कुल ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है जहाँ पर ये स्मार्टफोन आपको 26 जनवरी को यहाँ पर इंडिया पे लॉन्च होने वाले, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दिस ईयर अवर रेडमी नोट 11 सीरीज इज रेडी टू राइज टू द चैलेंज और ये दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल 100% कंफर्म है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आपको इन स्मार्टफोन में कौन कौन से स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पर आपको रेडमी के नोट 11 सीरीज में आपको रेडमी का नोट 11, रेडमी नोट 11 प्रो और रेडमी नोट 11 प्रो प्लस स्मार्टफोन देखने के लिए मिलने वाले हैं। और वहीं दोस्तों यहाँ पर जो रेडमी का नोट 11 प्रो प्लस स्मार्टफोन है वो दोस्तों यहाँ पर जब इंडिया पर लॉन्च किया जाएगा तो यहाँ पर आपको रेडमी के नोट 11 प्रो मैक्स नाम से आपको देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों जो रेडमी का नोट 11 स्मार्टफोन है यहाँ पर दोस्तों आपको मीडियाटेक हीलियो G88 का चिपसेट आपको देखने मिल सकता है और वहीं दोस्तों यहाँ पर ज्यादातर चांसेस यही है कि जो रेडमी का नोट 11 स्मार्टफोन दोस्तों यहाँ पर जब ग्लोबली मार्केट पे लॉन्च किया जाएगा तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 680 वाले चिपसेट के साथ में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और वहीं दोस्तों आपको रेडमी के नोट 11 स्मार्टफोन में 6.5 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस वाली डिस्प्ले मिल जाएगी जहां पर आपको IPS LCD वाला डिस्प्ले आपको देखने मिलता है और वहीं पर दोस्तों आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और वहीं दोस्तों आपको इसमें MIUI 12.5 और यहाँ पर आपको 50 MP का यहाँ पर 33 का सेटअप आपको देखने मिलने वाला है। और वहीं दोस्तों यहाँ पर आपको स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि यहाँ पर 18 वाट के चार्जर के साथ में आने वाली है। तो गाइस यहाँ पर डेफिनेटली जो रेडमी का नोट 11 स्मार्टफोन यहाँ पर प्राइसिंग के हिसाब से यहाँ पर काफी अच्छा फोन होने वाला है। और वहीं दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं यहाँ पर रेडमी नोट 11 प्रो और रेडमी नोट 11 प्रो प्लस स्मार्टफोन की स्पेक्स के बारे में, तो गाइस यहाँ पर आपको स्मार्टफोन में 6.67 इंचेस का एक फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड का डिस्प्ले और यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। तो गाइस यहाँ पर जो रेडमी का नोट 11 प्रो और रेडमी नोट 11 प्रो प्लस स्मार्टफोन होने वाला है यहाँ पर गाइस आपको स्मार्टफोन में 108 MP का ट्रिपल रेयर का मिश्रण आपको देखने के लिए मिल सकता है। और वहीं दोस्तों यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी और यहाँ पर आपको 67 वाट का फास्ट चार्जर आपको देखने के लिए मिल सकता है जो कि गाइस यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल की बात है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं रेडमी नोट 11 प्रो और रेडमी नोट 11 प्रो प्लस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो गाइस यहाँ पर आपको रेडमी नोट 11 प्रो और रेडमी नोट 11 प्रो प्लस स्मार्टफोन में आपको दोस्तों यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 778G वाला चिपसेट आपको देखने मिल सकता है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल प्रोसेसर है। तो यहाँ पर आपको गेमिंग भी काफी मिल जाएगी और यह स्मार्टफोन आपको 5G सपोर्ट के साथ में लॉन्च होने वाले हैं और इसके साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको स्मार्टफोन में 6GB रैम, 8GB रैम और यहाँ पर आपको 128GB तक की स्टोरेज आपको देखने के लिए मिल सकती है। और वहीं दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में, तो गाइस यहाँ पर जो रेडमी का नोट 11 स्मार्टफोन है वो दोस्तों यहाँ पर आपको 13-14 हज़ार रुपीज की प्राइसिंग में इंडिया पे आपको देखने मिल सकता है। और वहीं दोस्तों यहाँ पर जो रेडमी का नोट 11 प्रो और वहीं पर दोस्तों जो रेडमी का नोट 11 प्रो स्मार्टफोन है दोस्तों यहाँ पर आपको अंडर 20,000 आपको देख मिल सकता है। और वहीं दोस्तों यहाँ पर जो रेडमी का नोट 11 प्रो प्लस स्मार्टफोन होने वाला है वो दोस्तों यहाँ पर 20,000 से यहाँ पर थोड़ा ऊपर जा सकता है। वीडियो को पसंद आएगी तो इसी बात पे लोगों को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।